हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं आनंद जोन। तो आज मैं आपके लिए 5G के दुनिया से टॉप 3 बेहतरीन स्मार्टफोन लेकर आया हूं जिसकी प्राइसिंग अंडर 20,000 है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इधर उधर की बात को करते हैं साइड और वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जो स्मार्टफोन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी 9 Pro 5G। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर पर आता है और डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.6 इंच के फुल HD प्लस IPS 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले है। इसका जो कैमरा है वो आपको सही देखने को मिल जाएगा। बैक में आपको 64+8+2 MP का और फ्रंट में 16 MP का सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको इसमें HDR प्लेबैक और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन 5000 mAh की बैटरी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा। 5G के 5 बैंड मौजूद है, साइड माउंटर फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो बाकी सब चीज़ें जो है वो अच्छी है। इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो 17,999 है, विथ ऑफर अगर आप ट्राई करते हैं तो और कम हो सकता है। अब चलते हैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर की तरफ। तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11 Pro Plus 5G। ये भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ आता है और डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच के फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले विथ 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, आईआर ब्लास्टर 108 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ आता है, 5000 mAh की बैटरी जो 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5G के 7 बैंड मौजूद है। तो ओवरऑल देखें तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेहतर 5G स्मार्टफोन हो सकता है। अगर इसकी बेस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो 20,999 है, लेकिन अगर आप इसे ऑफर में ट्राई करें तो अंडर 20,000 एक तगड़ी डील हो सकती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 5G स्मार्टफोन की, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ पोको की तरफ से Poco X4 Pro 5G है। ये स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 Pro Plus 5G से काफी सिमिलर है, लेकिन क्यों ये नंबर 1 पर है? क्योंकि इसकी प्राइसिंग 2000 कम है। ये 18,999 पर आता है और अगर यहाँ भी ऑफर ट्राई करें तो और कम हो सकता है। और डिफरेंस इतना ही है कि इसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा है, उसमें 108 MP का प्राइमरी कैमरा था, सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। तो अगर आप एक ऐसा ऑलराउंडर 5G फोन देख रहे हैं जो कि अंडर 20,000 आता है तो आपको डेफिनेटली Poco X4 Pro 5G की ओर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, सभी स्मार्टफोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।